मेरे अमरिंदर सिंह, उसके एक बेटी है 3 साल की, बेटा है 2 साल का। वो लोग फोन नहीं करके बोलते हैं पापा को फोन करो। हम लोग कैसे बुलाए पापा को, कहाँ से बुलाएंगे? होगा मेरे बच्चा के भी मार देंगे तो क्या करेंगे? बोल दीजिए आप लोग यहाँ पर नहीं रहे, हम लोग कहीं भीखे मांग कर खाएंगे, नहीं तो आपको जूठे भी दीदी मल देंगे हम, लेकिन वहां पर खा लेंगे। छोटा छोटा बच्चे कहाँ कहीं पे जाते तो बोलते मेरे पापा कहाँ है, कहाँ चले गए मेरे पापा, कहाँ से बुला दे हम लोग पापा को। हम लोग सब कर लेंगे कि पापा नहीं, ये लोग कैसे करेगा 3 साल 2 साल का बच्चा। मेरा दो दो घर जितने भी आए सब अपना फोन नंबर भी दिए कि हम ये जरूरत पूरा करेंगे तो हम वो करेंगे। और ऐसा अभी वक्त ऐसा आ गया है कि अब कोई फोन भी नहीं उठाते हैं, फोन करने पे भी नहीं उठाते हैं। इतना परिवार तो लोग खत्म ही कर चुका, लेकिन 5वां मंथ चल रहा है, अभी तक अपराधी नौठो अपराधी नहीं पकड़ाया है, जिसमें मैं न अपराधी है नवीन झा, वो अभी नहीं पकड़ाया है। और उसका कहना है कि जब तक संजय सिंह को नहीं मारेंगे तब तक हम सिलेंडर नहीं करेंगे। और शायद प्रशासन इस बात को इजली ले न ले या कोई और मतलब ले न ले, लेकिन ये उसका सही मतलब उसका माइंड ही इन्हीं पे संजय सिंह पर ही आया है कि जब तक उनको मारेंगे नहीं तब तक कोई मतलब हम सिलेंडर नहीं करेंगे। तो प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? 5वां मंथ चल रहा है, अभी तक नौ अपराधी नहीं पकड़ा। क्या जमीन तो नहीं ना खा गया, आसमान तो नहीं ना निकल गया है, तो इधर ही उधर ना। ये मंथ होने वाला है, अभी तक हम लोग को ना कोई पूछने के लिए आते हैं कैसे जी रही हो, नहीं जी रही हो, बाल बच्चा को कैसे पाल रही हो, कुछ भी नहीं पूछ रहे। अभी दिन में खाना खाते हैं तो रात के लिए सोचते हैं रात में चूल्हा धराएंगे कैसे, क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे। घर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग के घर में कमाने वाले जो थे वो तो खत्म हो गए, कमाने वाले अब है ही नहीं। एक मेरे बूढ़े ससुर हैं, भैया हैं, जो कुछ करते ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? हम दो जेठ और मेरे हस्बैंड को, तीनों जन को मार दिए, तीनों ही कमाने वाले थे, कैसे पालेंगे दोनों को, खुद कैसे अपना करेंगे, समझ में नहीं आता। अपना तो छोड़ो, दोनों बच्चा को कैसे खिलाएंगे वो भी सोचते हैं। दिन में खिला देते हैं तो सोचते हैं रात में कैसे खिलाएंगे। मेरा दोनों बाबू दूध पीता, दूध भी जिस दिन से मेरे हस्बैंड खत्म हो गए उस दिन से दूध भी नहीं मिलता मेरे बच्चे सबको। हम लोग कैसे जी रहे हैं स्वामी लोग जानते हैं। आज हम लोग किसी की माँ बहन नहीं है, हम किसी की बेटी नहीं है, हम लोग पे दया नहीं आता है, हम लोग के लिए भी तो कुछ करे। जगह नहीं रहता, उस टाइम में हम लोग तो खुद ही डरे थे और फिर भी हम लोग आदमी को देख के डर जाते थे, इतना आदमी आते थे। उस टाइम में सब बोलते थे बेटा मत रो ना, हम भाई हैं, हम तुम्हारा बाप हैं, हम तुम्हारा बच्चा को लेंगे, हम तुमको बच्चा का गोद ले लेंगे, तुमको जॉब दिलाएंगे, तुमको पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे। आज कहाँ चले गए? आज तो कोई बहन बोलने वाला भी नहीं है, कोई बेटी बोलने वाले भी नहीं है। जो बहन बेटी बोल के गए बना के गए, आज तो आइए हम लोग को बहन बेटी जो बना के गए, जिस आके वोट के चक्कर में बोल के चले तो गए, कैमरा के सामने में अपना सीन दिखा दिए, आज हम उसको बेटी बना लिए, आज उसको बहन बना लिए, उसके बच्चे को गोद ले लिए। कहाँ गोद लिए, हम लोग के लिए कुछ किए? करते तो हम उधर मेरी मम्मी रो रो के पड़ती है, इधर